बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफमलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करें ताकि हमें आपकी राय का जो है पता चल सके और हमें आपका बाकायदगी से फीडबैक भी वो मिलता रहे। तो कोरोना के हवाले से आज बात करना चाहूँगा कि अब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी कोरोना की जो है सेकेंड वेव जो है, दूसरी एक लहर जो है वो आने वाली है और वो लहर जो है बहुत ही वो शदीद होगी। और अभी से जो है कुछ ममालिक और बिल गेट्स जो है अभी कह रहा है कि भी नवंबर में दिसंबर में जो है एक शदीद वेव आने वाली है इसकी। इससे पहले जो है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यानी भाई जो हुआ पूरी दुनिया के अंदर और अभी ये चल रहा था कि भाई ये कंट्रोल हो जाएगी और काफ़ी हद तक जो है तकरीबन 80% जो है वो कंट्रोल भी हो गई है। और इसकी जो वो तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही थी वो कोविड-19 से कि भाई अमवात जो है बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो है इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हुई। और वो तवक्को जाहिर कर रहे थे इदारे भी, आलमी इदारे भी, और एक वो प्रोपगंडा एक मुहिम चलाई गई इस हवाले से कि भाई इससे जो है हलाकतें वो बहुत होंगी। लेकिन अब जो है जब ये पहली वेव जो है वो ख़त्म हुई है और पाकिस्तान में भी सूरत हाल बहुत ही बेहतर हो गई है और पाकिस्तान में एक बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत एक कंपेन चलाई गई थी भरपूर के भाई पाकिस्तान में जो है केसेस की तादाद जो है वो 15 से 20 लाख हो सकती है, 25 लाख हो सकती है। पाकिस्तानियों को खौफ ज़्यादा करने की कोशिश की गई। इसमें ज़्यादातर रोल जो है हमारे मीडिया का था, हमारे जो एंकर थे उनका रोल था कि भाई पाकिस्तान में जो है हुकूमत जो है वो कर्फ्यू नहीं लगा रही, हुकूमत जो है लॉकडाउन नहीं कर रही। और हुकूमत पर जो है इस मीडिया ने, इनके एंकरों ने जो और जो अपोजिशन में थे, जो अपोजिशन में पार्टी हैं, सियासतदान हैं, चाहे वो नून लीग है चाहे वो पीपल्स पार्टी है, इन्होंने शदीद दबाव डाला इमरान खान पर कि भाई आप जो है मुल्क के अंदर वो कर्फ्यू लगाएं। लेकिन इमरान खान की जो पॉलिसी रही शुरू से स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, उसने कहा इमरान खान ने, और इमरान खान की वो पॉलिसी जो है कामयाब रही और जो है तमाम अपोजिशन के मंसूबे, हमारे मीडिया के मंसूबे वो सब नाकाम हुए। और आज जो है स्वीडन ने जो है वो पॉलिसी इख्तियार की थी इसके हवाले से कि भाई स्वीडन ने जो है वो कर्फ्यू नहीं लगाया, लॉकडाउन नहीं लगाया, उन्होंने एहतियाती वो तदाबीर इख्तियार की और जो है फासले से सामाजिक दूरी का जो फासला जो है कानून यानी उन्होंने वो बनाया, एक असूल वो बनाया कि भी आप दूर रहकर आप मास्क पहनकर जो है आप अपना काम वो कर सकते हैं। तो फिर बाद में जो है स्वीडन का जो ये फार्मूला था जो उन्होंने इख्तियार किया अपने मुल्क में, तो दूसरे ममालिक ने भी जो है इसको इख्तियार किया। और कुछ ममालिक ऐसे थे कि भी उन्होंने जो है 24-24 घंटे का और कई कई दिनों का, कई कई हफ्तों का जो है वो कर्फ्यू लगाया गया। उससे जो उनकी मईशत बैठ गई, उनके इक्तसादी सूरत हाल वो ख़राब हो गई, उनके जो लोगों का कारोबार था वो तबाह हुआ। और अब जो है सूरत हाल इस वक्त जो है न्यू वर्ल्ड आर्डर के तहत जो है ये कोशिशें की जा रही हैं कि भाई जो है अब दूसरी जो है सेकंड वेव जो है आने वाली है और अभी से जो है इसकी तैयारियां की जा रही हैं। और वो फिर ये कह रहे हैं कि भाई स्पेन में जो है वो फ्लू आया था तो वो जो फर्स्ट वेव आई थी उसकी, उसमें जो है कम लोग वो फौत हुए थे और फिर जो दूसरी आई थी वे वो बहुत ही वो शदीद थी। इस सूरत हाल में जो है बिल गेट्स ने कहा है कि भाई जो है ये नवंबर और दिसंबर, ये साल के आखिर में जो है आखिरी महीने जो हैं इस साल के 2020 के, इसमें जो है वेव जो है ये शदीद हो सकती है और इसमें जंगें भी हो सकते हैं और इसमें और भी मामलात हो सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि भाई दुनिया का जो है, लोगों का जो है एकदम जो है उनमें तब्दीली आ जाएगी, उनका रहन सहन जो है यकदम जो है तब्दील हो जाएगा। अब ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं, ये सब जो है न्यू वर्ल्ड आर्डर के तहत हो रहा है और ये कोशिशें की जा रही हैं कि भी दुनिया का जो सिस्टम है, दुनिया का निज़ाम है वो कैसे वो चेंज किया जाए, तब्दील किया जाए।
आने वाला वो वक्त ही ये बताएगा कि भई ना क्या होता है, लेकिन एक वो प्लानिंग के तहत ये लोग वो कह रहे हैं कि भई जो कोविड है, ये जो वायरस है, जो करोना है, इससे जो है वो तबाही वो फैलेगी नवंबर में और दिसंबर में। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की वो प्लानिंग को नाकाम वो करने वाला है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला दुनिया को जो है अमन व आश्ती का गहवारा वो बनाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।